Hello and Tasadele friends, my name is Jugantar and I am from Yangsan IAS. So in today's class we will cover the geography. So ये जो class होगा friends वो geography से हमेशा आप question देख सकते हो. Previous year questions में भी आप अगर LDC का UDC का paper उठाएंगे या फिर SI का या कोई भी अरुणाचल related exams में geography is a very important topic. तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो important है जैसे आपका environment part ना, तो हम इस क्लास में वो कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन एंड बिफोर बिगिनिंग दिस क्लास लेट्स रिवाइज सम की पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. एंड प्रीवियस क्लास वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द यूट्यूब चैनल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आईएसटी. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आईएसटी. आईएसटी क्या है. आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. मतलब हमारा इंडिया में जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसको आईएसटी में मेजर किया जाता है ना. सो फ्रेंड्स ये जो आईएसटी टाइम है ये किसके साथ कंपेयर करके निकालता है. जीएमटी के साथ. जीएमटी इज व्हाट. देखिए अगर हमारा आर्ट है यहाँ पे ये आर्ट और आर्ट के बीच से अगर आप एक लाइन थ्रो कर दो डेट पास पास फ्रॉम लंदन ग्रीनविच. लंदन का एक जगह है ग्रीनविच के ऊपर से गया है और भी और जगह से गया है जैसे इस तरफ से जो भी यहाँ पे अफ्रीका का कंट्री से उसके ऊपर से गया है तो वो उस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग. ग्रीनविच लाइन या जीएमटी बोलते हैं उसको. यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम बोलते हैं. मैं लास्ट क्लास में इसको कवर कर चुका हूँ. तो ये जो आईएसटी जीएमटी है पूरा वर्ल्ड के लिए. तो हमारा इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि द आर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द नॉर्थन एंड साउथर्न है ना. तो नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको. नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थन हेमिस्फीयर का ईस्ट साइड में यहाँ पे हमारा इंडिया है. तो इंडिया का जो इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम आईएसटी बोलते हैं और जो पूरा वर्ल्ड के लिए रेफरेंस के लिए रखा हुआ है तो वो आपका जीएमटी है. तो इट इज योर जीएमटी एंड इट इज योर आईएसटी. तो ये जो आईएसटी है और जीएमटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है. आईएसटी और जीएमटी के बीच में रिलेशनशिप है ये कि आईएसटी जो है वो 5.5 घंटा आगे है. मतलब आगे अभी अगर आप लोगों का अभी अगर 8 बज रहा है तो 5.5 घंटा आगे. ठीक है तो 2:30 AM आपका लंदन में हो रहा होगा अगर अभी 8 बज रहा है इंडिया में. ठीक है तो ये टाइमिंग आप क्योंकि 5.5 घंटा आगे होता है ना लंदन. क्योंकि हम इस तरफ जब हमने बोला था लास्ट क्लास में कि इस तरफ वाला जो कंट्रीज होगा वहाँ पे हम लोग प्लस डालेंगे और इस तरफ जो कंट्री होगा वह उस पर हम माइनस डालेंगे. तो आपको सिर्फ इंडिया का याद रखना है. यहाँ पे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डेट इज आईएसटी इज जीएमटी प्लस 5.30. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी व्हिच ऑफ द साउथर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया. अभी हम लोगों ने साउथर्न मोस्ट प्लेस भी हम लोगों ने देखा है लास्ट क्लास में कि लॉन्गिट्यूड और उसमें फिर भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे कोई बात नहीं. तो देखिए यहाँ पे अगर आपका ये हमारा अगर नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ पे इंडिया है हमारा प्यारा भारत. मैंने ऐसे राफली इसको ड्रॉ किया ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लगे है ना. तो देखिए यहाँ पे सॉरी. ठीक है अब अगर ये हमारा इंडिया है मान लीजिए इस राफली ड्रॉ किया उसको तो ये वाला जो पॉइंट है डिट इज या नॉर्थन पॉइंट. ये नॉर्थन पॉइंट है और इस पॉइंट ये नॉर्थन मोस्ट पॉइंट जो नॉर्थ में उत्तर में सबसे आखिरी पॉइंट जो है इंडिया का दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा कोल. दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा कोल एंड इट दिस पॉइंट इज दिस कंट्री सॉरी दिस स्टेट इज जम्मू कश्मीर एंड द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया. यहाँ पे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है फ्रेंड्स. क्यों. क्योंकि एक तो मेनलैंड इंडिया मतलब जमीनी जो है लैंड में जो है जो लैंड ये तो लैंड है लेकिन हमारा इंडिया तो आइलैंड भी है ना. इंडिया में तो आइलैंड भी है. यहाँ पे कौन सा आइलैंड. यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. तो अंडमान एंड निकोबार में जो पॉइंट मिलता है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट. उसका नाम है इंदिरा पॉइंट और वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है. साउथर्न मोस्ट पॉइंट है क्योंकि ये ज्यादा नीचे है. अगर सिर्फ लैंड का बात करेंगे तो लैंड में जो पॉइंट है उसका नाम है केप कोमोरन इन कन्याकुमारी. सबको पता ही होगा कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक ऐसे बोलते हैं ना.
केप कोमोरिन, केप कोमोरिन इस जगह का नाम है एग्जैक्टली केप कोमोरिन इन कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया का बारे में आपको ऑप्शन यहाँ पे हमेशा याद रखना है। देखिए अगर ऑप्शन में केप कोमोरिन है और इंदिरा पॉइंट नहीं है तो आप तो केप कोमोरिन को, केप कोमोरिन विल बी योर करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी है और आपको याद रखना पड़ेगा कि इंदिरा पॉइंट जो है डेट इज मोर साउथ देन द केप कोमोरिन, बिकॉज ये तो कन्याकुमारी में हो गया लेकिन अंडमान निकोबार आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप लाइन करते हो तो कौन सा साउथ में है ज्यादा, ये वाला साउथ में है ज्यादा, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट। लेकिन बिलीव मी जो मैंने लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स देखा है यूडीसी एलडीसी का लिए, उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते कि आपको दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे बिलीव मी। सो आप लोग को याद रखना है कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज केप कोमोरिन डेट इज इन कन्याकुमारी और इन इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबर, अंडमान निकोबर का भी जो ग्रेट निकोबर है वहां पर है ये पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, मेरा बोलने का मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसमें से एक ही ऑप्शन में रहेगा, उसी को आपको टिक करना है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा ईस्टर्न मोस्ट प्लेस, हमने क्या बोला ईस्टर्न मोस्ट प्लेस का नाम है, अभी ईस्टर्न मोस्ट प्लेस का नाम नहीं बोला मैंने, ईस्टर्न मोस्ट प्लेस का नाम है सिरहर की क्रिक, सार क्रिक बोलते हैं इसको, सार क्रिक, तो इसका नाम है सार क्रिक, तो ये याद रखना आप, है ना, सार क्रिक। इसका और एक नाम है तो वो आप नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो में आप देख लीजिए क्या नाम बोला मैंने, सब चीज मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज द रिविजन क्वेश्चन, इजंट इट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है पूछने का एग्जाम में वो आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, बिकॉज इट इज एन अरुणाचल एग्जाम एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इटसेल्फ इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको तीन चीज याद रखना है, ये वाला पॉइंट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसमें तीन चीज याद रखना है, एक तो रखना है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की भी थू बोल के आ सकता है, दूसरा आ सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है, तीसरा पॉइंट है दोंग, क्योंकि ये दोंग उसका लोकल जो बस्ती है जो भी होगा लोकल प्लेस है नेटिव वो उसको दोंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज याद रखना है, ये अंजाव दोंग और किबीथू, अंजाव डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, किबीथू लोकल मतलब एक जो उसका मेन जगह है मेन हेडक्वार्टर का नाम हो गया और ये दोंग जो है मेन बस्ती का नाम हो गया यहाँ पे लास्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हिच वन इज द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, इट इज दोंग, इजंट इट, दोंग है, ठीक है। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि जो ये मैंने सार क्रिक बोला दैट इज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे आप मैप को देख सकते हो, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे दोंग है, है ना, यहाँ पे लास्ट जो ईस्टर्न मोस्ट प्लेस होगा दैट इज दोंग, ओके। तो ये जो मैं ये बोलना चाहता था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किबीथू इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, ये ऑलरेडी कवर कर लिया मैंने, इट इज इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट, देखिए। और फिर टॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट पासिस थ्रू, अब देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 जो हमारा लेटीट्यूड है, दैट इज लेटीट्यूड, मैंने बोला था कि हमारा वर्ल्ड आर्ट को अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइंस करेंगे तो उसको लेटीट्यूड बोलेंगे, अगर वर्टिकली लाइंस करेंगे तो उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। लॉन्गिट्यूड लाइन के साथ हम टाइम डिसाइड करते हैं, लेटीट्यूड के साथ हम पोजिशन डिसाइड करते हैं। तो 23.5 डिग्री जो है जो हमारा इंडिया के बीच से भी गया है, तो ये जो लाइन है 23.5, तो अगर आप ऐसे करोगे ऐसे ये, तो यहाँ पे ये तो इक्वेटर बीच से गया है 0 डिग्री, इक्वेटर इंडिया से गया है क्या, इक्वेटर इज नॉट पास थ्रू इंडिया, इक्वेटर इज पास थ्रू अफ्रीका एंड नियर बाई प्लेसेस, है ना, यहाँ पे साउथ अमेरिका है ना, तो ये सब जगह से गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 डिग्री, तो यहाँ का 23 डिग्री जो है नॉर्थ में 23.5 दैट इज योर टॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कैंसर है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये कैप्रिकॉन, तो हमारा इंडिया से इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया के बीच से कौन सा गया है, कैंसर गया है ना। तो याद रखना है कैंसर इंडिया के बीच में कौन कौन सा स्टेट से गया है, एक तो गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड
और यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बीच से भी गया है, तो ये नहीं मेंशन था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रहा है ये है छत्तीसगढ़, तो ये गया है ना यहाँ पे, तो पिक्चर में मेंशन नहीं था इसलिए मैंने अलग से लिख दिया छत्तीसगढ़ 36 घर, ठीक है 36। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइन है हमारा जो मिडिल से जाता है वो उसका नाम है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर 23.5 डिग्री से जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो ये हमारा इंडिया है, ये पर्सन इंडिया, तो इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है। सो कौन कौन सा स्टेट है जिसके बीच से इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है, तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर आपका वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट में दो स्टेट के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रिलेट हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है आपका त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, और दूसरा है मिजोरम, याद रखना त्रिपुरा एंड मिजोरम। कैसे याद, देखिए यहाँ पे आप ये लाइन है, ये कौन सा है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ठीक है, तो ये दोनों स्टेट से गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं पास करता, यहाँ पे नहीं वाला जो वर्ड है डेट इज डायरेक्टिव वर्ड। अब देखिए ये हम लोग को एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ नहीं वर्ड है, नॉट वर्ड। अगर आपको मैं आपको बोलूंगा कि नॉट वर्ड को आप ऐसे सर्कल कर लो एग्जाम में भी, क्योंकि देखिए ये आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्टिव वर्ड, पता चला कि आप ये नोट को दिखा ही नहीं आपने, वेयर द कैंसर, अगर कैंसर कहाँ से पास करता है आपने मार दिया, ठीक है त्रिपुरा करेक्ट, ऐसे मार के आप आगे और घमन में घूम रहे हो, फिर शाम को दोस्त ने बोला ये इसका आंसर क्या किया, आंसर मैं तो ए मारा, अरे इसका आंसर तो डी था, मिजोरम सॉरी सी था, मणिपुर था, तो फिर आप जाके खोल के देखा, फिर आपको दिखाई दिया नोट वर्ड बड़ा सा, और ये नोट वर्ड इतना बड़ा दिखेगा तब बहुत बड़ा दिखेगा, इतना छोटा दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए नोट वर्ड को हमेशा आप मार्क करके रखिए ताकि आपको पता चले कि आपको निकालना क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस किसके बीच से नहीं गया है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, देखिए यहाँ पे है, है ना, दैट इज त्रिपुरा मिजोरम एंड देन छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो डियर, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द पिक्चर, सो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है 36 घर, दैट इज छत्तीसगढ़, है ना। सो यहाँ से आप देख सकते हो, सो यहाँ से किसके बीच में नहीं गया, मणिपुर के बीच में नहीं गया, मणिपुर तो यहाँ पर है कहीं, है ना, मणिपुर तो यहाँ है ना, मिजोरम यहाँ है तो मणिपुर ऊपर है इसका, तो मणिपुर में आप, ये मणिपुर है आपका, है ना, ये नागालैंड है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, आप ये हमारा मेघालय है, तो ये हम लोग स्टेट्स और नोटिस का भी स्टेट्स कहाँ कहाँ है आपको याद रखना है। तो मणिपुर का बीच से नहीं गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर ये मणिपुर। उसके बाद हम देख लेते हैं लॉन्गेस्ट डे, अभी देखिए लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, देखिए इट इज 21 जून, आंसर इज 21 जून बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड समर सोलस्टिस। अब ये पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। अब देखिए मैंने ये लास्ट क्लास में कवर किया था कि जब ये सन है हमारा, ये हमारा सूर्य भगवान, तो वहां से जब रोशनी डायरेक्टली पड़ रहा है ना, जब डायरेक्टली परपेंडिकुलरली यहाँ पे पड़ता है, आर्ट में पड़ता है, और जो जगह में डायरेक्टली इन इन लाइन ऑफ साइट में पड़ता है, मतलब लाइन ऑफ साइट मतलब सामने सामने तो पर रहता है, तो वो जगह होगा लॉन्गेस्ट डे होगा। तो यहाँ पे इंडिया होता है, इस जगह में एक्चुअली इंडिया होता है, तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली फॉल करता है सनलाइट, तो ये जो लाइन है मतलब ये जो जगह है यहाँ पे समर सोलस्टिस दिखाई देता है जून 21st, वो आ रहा है जून 21st, टुडे इज जून 19, सो 21st जून इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड योगा डे, इसलिए नहीं लेकिन वर्ल्ड योगा डे को भी उसी दिन हम मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, एक करंट अफेयर्स का टॉप क्वेश्चन हो गया, है ना, वर्ल्ड योगा डे, तो 21st जून एंड इट इज ऑल्सो एज ए समर सोलस्टिस, मतलब लॉन्गेस्ट डे, उस दिन बहुत लंबा है। और अगर यहाँ पे अगर क्योंकि हमारा आर्ट भी घूम रहा है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट,
ये इक्विनॉक्स बोलते हैं, ये सोलिटिस सोलिस्टिस बोलते हैं। जब डे एंड नाइट का लेंथ डिफरेंट हो उसको सोलिस्टिस बोलेंगे, जब डे एंड नाइट का लेंथ इक्वल हो, इक्वल वर्ड से आया है इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स दो बार होता है, मार्च 21 एंड सितंबर 21, और सोलिस्टिस यहाँ पे हो रहा है, समर सोलिस्टिस यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होगा, क्योंकि अब तक ये जो आपका मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए ये है आपका यहाँ पर, ये है हमारा सन और ये है हमारा आर्ट। तो सन से जब रेज ऐसे गया आर्ट में पड़ा है, तो आर्ट भी तो घूम रहा है ना कहीं ना, आर्ट भी तो घूम रहा है। तो जब आर्ट घूम के उस पार आ गया, इसका मतलब है कि अभी अभी इंडिया का पोजीशन कहाँ पर है दिसंबर में। एक्चुअली ये दिसंबर 21 है, दिसंबर 22 को भी मानते हैं इसको, 22 दिसंबर भी बोलते हैं। तो आप देख लेना 22 दिसंबर 21 दिसंबर इनी टाइम में होता है, ये वेरी होता रहता है। लेकिन तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिया यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पे तो सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुँच रहा, कुछ लाइट पहुँचेगा, दिन छोटा होगा, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। अब इसको 3D में इमेजिन करो, तो कुछ कुछ लाइट्स तो यहाँ पहुँच पाएगा, लेकिन ज़्यादातर लाइट नहीं पहुँचेगा, ज़्यादातर लाइट यहाँ पहुँच रहा है ना। तो यहाँ पे होगा समर, लेकिन हमारा इंडिया यहाँ पर है, तो हमारे लिए ये विंटर है। तो हमारा ये इंडिया का रेस्पेक्ट में, नॉर्थ हेमिस्फेयर का रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा समर सोलिस्टिस जून 21, विंटर सोलिस्टिस दिसंबर 22 या दिसंबर 21, इक्विनॉक्स 21 सितंबर एंड मार्च 21, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि कौन सा दिन है, वो है आपका 21 जून, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा अरुणाचल रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स देख लेते हैं। एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अभी देखिए हाल फिलहाल में क्लाइमेट चेंज, फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं, तो ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चन रहने वाला है। तो एनवायरमेंट उससे जो भी क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर किया है, वो भी अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश प्रदेश रिलेटेड जीके, ठीक है, और यहाँ पे हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को पहले। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट्स कितना है अरुणाचल प्रदेश में, 25। आपको पता होगा कि रिसेंटली, मतलब इतना भी रिसेंट नहीं, 2018 में कुछ नया डिस्ट्रिक्ट बना, और 2017 में कुछ नया डिस्ट्रिक्ट बना। तो 2018 में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट बना है वो भी आपको जानना जरूरी है। बट ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर 2019 में पूछा ये क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली फॉर्म सीओमी डिस्ट्रिक्ट, इसका आंसर टाटो है, इसका आंसर टाटो है। बट ये क्वेश्चन, मेरा बोलने का मतलब है ये क्वेश्चन पूछा क्यों, क्योंकि देखिए 2018 में है ना, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए कि टॉपिक का क्वेश्चन पूछा क्यों वो भी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए सीओमी जो है ना, वो 2018 में फॉर्म हुआ, तो उसके एक साल में 2019 में ये पूछ दिया है ना। अभी के लिए अगर बोलेगे तो ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीओमी 2018 का सवाल है, अब तो अभी तो आउटडेटेड हो गया। लेकिन फिर भी आपको हेडक्वार्टर्स तो, मतलब आपके बाकी क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकते हैं, कहीं हेडक्वार्टर्स आपको याद रहना है, तो इसका आंसर है टाटो, ठीक है। तो हम डिस्ट्रिक्ट को अगर देखते हैं, तो देयर आर 25 डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे सबसे वेस्ट में क्या है, सबसे ईस्ट में क्या है, ये सब चीजें अब थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आप मैप को कुछ टाइम मैप के साथ आप थोड़ा सा बिताना चाहिए, आपको कुछ टाइम बिताना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा जगह के बारे में एक वैल्यू हो जाए। जैसे टवांग यहाँ पर है, आप यहाँ पे अंजाव है ना, ये कौन सा है, आप देखो यहाँ, ये हमारा कौन सा साइड है, वेस्ट। तो वेस्ट अरुणाचल में टवांग है, ईस्ट अरुणाचल में क्या है, ईस्ट अरुणाचल, ईस्ट अरुणाचल सबसे ईस्ट पॉइंट अंजाव, मैंने बोला था सबसे ईस्टर्न पॉइंट किबीथू यहाँ पर है, डोंग यहाँ पर है ना, डोंग या किबीथू जो भी बोल लो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। तो चांगलांग भी है यहाँ पे, चांगलांग भी है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने के हैं, जैसे लोहित, नामसाई, और अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ बॉर्डरी बाउंड्री शेयर करता है, बाउंड्री शेयर किस के साथ करता है, जैसे इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा पार्ट है आपका चाइना, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरफ टावांग के साइड और एक कंट्री है जैसे भूटान है ना, इस तरफ आपका एक सेकेंड,
ठीक है, तो इस तरफ है आपका भूटान, है ना, इस तरफ भूटान है, भूटान, भूटान का बाउंड्री भी शेयर करते हैं यहाँ पे, ये भूटान है, इस तरफ भूटान है, इस तरफ चाइना है, इस तरफ भी चाइना है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर आके आपको मिलेगा यहाँ पे म्यांमार है। तो तीन इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है चाइना, भूटान एंड म्यांमार, लास्ट क्लास में कवर किया है, और दो इंडियन स्टेट के साथ आसाम और इस तरफ नागालैंड, याद रखना है आपको, नागालैंड और आसाम के साथ इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तीन इंटरनेशनल बाउंड्री है कंट्रीज, क्या क्या है, चाइना म्यांमार भूटान, दो इंडियन स्टेट के साथ आसाम एंड नागालैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टेब्लिश इन 2018 डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं आपको, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ना वो 2018 में फॉर्म हुए, क्या क्या है, पाके केसांग, लेपारादे, शिओमी, और कामले जो डिस्ट्रिक्ट है डेट इज फॉर्म इन 2017, सो इनमें से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डेट इज कामले। याद रखना है आपको कि लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये है, ये तीनों है। अब हम थोड़ा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज नेशनल पार्क। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत लोगों ने सुना होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है ना। अब अरुणाचल में बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वन बायोस्फीयर रिजर्व, टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड 8 और 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे, क्योंकि आप ऑर्किड को भी आप मेजर कर लोगे, मतलब इसमें काउंट कर लोगे तो ऑर्किड को भी, तब आपका 9 हो जाएगा और 1 ऑर्किड सेंचुरी है, तो ये हमको जानना जरूरी, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है देख लेते हैं पहले। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है, देखिए ये तीनों जगह से है, उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो फ्लोरा और फोना के लिए, फ्लोरा मतलब प्लांट, फोना मतलब एनिमल, तो इनके लिए मेजर्स करने, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए यूनेस्को, है ना, ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है यूनेस्को, है ना, उनका ही मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं इसको, हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, कैसे याद रखा मैंने, अब देखिए इसका बहुत ईजी है याद रखने के लिए भी, देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे हमारा कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया इंडिया में, है ना, तो ये सब जगह, अब पेरिस इटसेल्फ एज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं, पेरिस का जो आईफिल टावर है, पेरिस में आईफिल टावर जो है वो क्या है आपका, पेरिस में जो आईफिल टावर है वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो इसलिए मैंने इसको याद रखा, इसका हेडक्वार्टर जो है यूनेस्को का, पूछ सकते हैं आपको, हेडक्वार्टर इज योर पेरिस, ठीक है। तो ये यूनेस्को ने इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्लेस वेयर वी कैन प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट। अभी नेशनल पार्क में क्या अंतर है दोस्तों, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, दोनों तीनों में अंतर कुछ भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन का अंतर है, और हमेशा आप याद रखना कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, तो कैटेगरी 4 में है, ये कैटेगरी 3 में है, तो ये आपको लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा कैटेगरी में है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेस रेस्ट्रिक्शन है, बायोस्फीयर इज मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन, मतलब लेस रेस्ट्रिक्शन मतलब लोग वहां पे जा सकते हैं, है ना, और वहां पे रह सकते हैं थोड़ा सा, मतलब कोई आसपास लोग रहते भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड प्लेस, ऐसा नहीं है, तो ये हमें मॉडरेट, यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग मतलब आवागमन में थोड़ा सा मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, और हैवी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर होता है बायोस्फीयर, सॉरी नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क में बहुत सारा ऐसा जगह होता है वहाँ पे ह्यूमंस आर नॉट अलाउड, बिकॉज देखिए वहाँ पे बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज रहता है जो खत्म हो रहा है, मतलब लुप्त प्राय जिसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब जैसे हमारा रेड पांडा भी वन वन काइंड ऑफ लाइक एंडेंजर्ड, ठीक है, बिकॉज उसका भी कैटेगरी है अलग अलग, है ना, रेड लिस्ट इसमें निकालता है, तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी कौन सा ज्यादा एंडेंजर्ड है ना, मतलब उसमें है अब, तो ये सब पॉइंट्स है जो उनको कंजर्व करना जरूरी है, और वहां पे अगर ह्यूमन मूवमेंट रहेगा अल्टीमेटली एनिमल्स को डिस्टर्ब होगा इसीलिए, या उनका उनके लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए नेशनल पार्क
कुछ ऐसा जगह होता है जहां पे हैवी रेस्ट्रिक्शंस होता है ना, तो ये कैटेगरी 2 में पड़ता है प्रोटेक्टेड एरियाज में, ये कैटेगरी 4 में पड़ता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक, ये यूनेस्को का प्रोग्राम है बायोस्फीयर रिजर्व, तो बिल्कुल यूनेस्को ही इसको डिसाइड करता है, और नेशनल पार्क्स तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलकर डिसाइड करता है। फ्लोरा एंड फौना लैंडस्केप है, तो बाकी तो सब सेम है, मतलब बेसिकली कंजर्वेशन के लिए ही ये जगह है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपको समझ में आएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व ये है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है, नेशनल पार्क भी होता है। ठीक है, तो ये आपको शायद क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर इन रिजर्व इन इंडिया, टोटल 18 है। तो क्या क्या है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, नंदा देवी उत्तराखंड है ना, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग एंड दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग अरुणाचल का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के लिए ये याद रखना एकदम मस्ट है ना। ओनली वन बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज वेरी फेमस एंड इट इज नेम इज दिहांग एंड दिबांग। तो मानस असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, डिब्रू सैखोवा इटसेल्फ इन असम है ना, डिब्रू सैखोवा भी असम में है, मानस भी असम में। आपको नोटिस का कम से कम याद रखना है, नोकरेक इन मेघालय, नोकरेक मेघालय में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी। तो आपको कम से कम ये नोटिस का तो याद कर ही लो आप है ना, आज ही कर लो। ठीक है, पंचमढ़ी, अचानक मार्ग, अमरकंतक, कांस गुजरात है ना, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सीसेसलम आंध्र प्रदेश, अगस्तमलाई कर्नाटका, नीलगिरी तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार। ग्रेट निकोबार जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार। तो फ्रेंड्स इसमें से याद रखने वाला बात है कि नीलगिरी जो है हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, एंड देन कच्छ गुजरात इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो दिहांग एंड दिबांग तो याद रखना ही है। नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, अभी नेशनल पार्क देख लेते हैं क्या क्या नेशनल पार्क है। देयर आर टू नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, वन इज मोलिंग एंड अदर इज योर नामदफा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मोलिंग जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो एग्जैक्टली ये आपको कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि आपको एक मैप के साथ ये मैपिंग करके पढ़ना है ना। जैसे देखिए वो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट पास ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी आप अरुणाचल का मैप आप खोल लेंगे, कोई भी कहीं से भी एक मैप खोल लीजिए अरुणाचल का रिलेटेड, जैसे ये मैप है, अपर सियांग यहाँ पर है, ईस्ट सियांग है ना, ईस्ट सियांग यहाँ पर है एंड वेस्ट सियांग, तो सियांग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। तो ये वाला लोकेशन होगा आई थिंक, यहाँ पर ये वाला लोकेशन होगा, आप एक बार देख सकते हो स्लाइड में। तो आपको मैपिंग करना है यहाँ पर ये वाला लोकेशन में, तो एक बार देखना पड़ेगा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है कि सियांग है, ये देखना पड़ेगा सियांग डिस्ट्रिक्ट है अपर या वेस्ट सियांग या इसका में। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको कर देगा, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है वेस्ट सियांग एंड ईस्ट सियांग है, तो यहाँ पर ये प्लेस होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे अपर सियांग एंड ईस्ट सियांग है ना, ये अपर सियांग एंड ईस्ट सियांग, एंड यहाँ पे आपको वेस्ट सियांग तो दूर हो गया ना थोड़ा, या सियांग डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर, ये लोकेशन में होना चाहिए ये, वी हैव टू क्लियर दिस थिंग, बट यही होगा लोकेशन इसका। ये है मोलिंग नेशनल पार्क, और 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया था, 1986 में एस्टेब्लिश किया है। तो इसको एक बार देखना पड़ेगा कि ये शायद सियांग होगा, अपर सियांग नहीं होगा, एक बार देखना पड़ेगा इसको, वेस्ट सियांग या ईस्ट सियांग। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व एग्जैक्टली, आप अगर तीन यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे तीन डिस्ट्रिक्ट कवर किया है इसने, तो ऐसे वाला डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सिंगल डिस्ट्रिक्ट का ही क्वेश्चन आएगा आने से, कोई बात नहीं, इसको आप मैं वेरीफाई कर दूंगा। एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने अभी बोला था कि जो नेशनल पार्क होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही होता है, तो ये नेशनल पार्क जो है मोलिंग नेशनल पार्क, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इन 1986, ये याद रखना है। क्या क्या एनिमल में पाया जाता है वो आपको एक बार देखना है, जैसे ताकिन ये है, आप इंडियन लियोपार्ड है ना, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर, ए टाइप ऑफ डियर ओनली, सेरो यहाँ पे सेरो है, और गोराल यहाँ पर है, एंड रेड पांडा। तो ये स्पेसीज यहाँ पे पाया जाता है ना, तो इसीलिए ये सा बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे ज्यादा मतलब डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन में एनिमल्स है, बहुत अलग अलग टाइप का स्पेसीज का एनिमल एक साथ रहता है, तो ये
पाया जाता है, तो ऐसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर नेशनल पार्क होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होते हैं। तो ये आपका पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मोलिंग नेशनल पार्क, सॉरी पहला नेशनल पार्क इज मोलिंग नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट इज इन सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, है ना। देन आपका ये एनिमल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम नेशनल पार्क जो देखते हैं, दैट इज योर नामदफा नेशनल पार्क, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नामदफा नेशनल पार्क है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ये पहले याद रखना है कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ऊपर मैप में जाके देखना है कि चांगलांग है कहाँ एग्जैक्टली। तो चांगलांग आपका, चांगलांग जो है आपका, चांगलांग यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको नामदफा मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको नामदफा मिल जाएगा, ठीक है। देन इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। देखो ये 1983 वो 1986 में, तो ये 1980 इट इज ओल्डर, तो ये 1983 ये आपको याद रखना है कब ये नेशनल पार्क बना, 1983 कब बना मोलिंग, 1986। थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया, ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। ओनली पार्क इन इंडिया हैव फोर बिग कैट स्पेसीज लाइक लियोपार्ड, टाइगर, क्लाउडेड लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड। अब फ्रेंड्स ये सब क्या है ना, आप लोगों का सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि ये सब क्या है। अब देखिए, क्योंकि आप जब बचपन में स्कूल में हम लोग जाते हैं, तो स्कूल में हम लोग को क्या सिखाया जाता है डायरेक्टली, हम लोग को जानवर एनिमल्स क्या क्या है, एक है गोट, एक है टाइगर, एक है काउ, बस हो गया काम खत्म, है ना, खर्च ले जाओ, और डियर, ज़्यादा से ज़्यादा डियर, है ना। तो लेकिन डियर में भी क्या क्या टाइप्स है, जैसे बार्किंग बार्क डियर, है ना। अगर टाइगर बोलेंगे तो टाइगर नहीं है इसमें, टाइगर बिग कैट स्पेसीज का ही पार्ट है। बिग कैट स्पेसीज में क्या क्या टाइप का टाइगर है, मतलब हम हमारे लिए टाइगर है लेकिन यहाँ पे बिग कैट स्पेसीज दिया हुआ है। तो बिग कैट स्पेसीज का क्या क्या है, एक तो है लियोपार्ड, एक तो है टाइगर, एक तो है क्लाउडेड लियोपार्ड, एक तो है स्नो लियोपार्ड, ठीक है। दिस आर टाइप्स ऑफ बिग कैट स्पेसीज, लियोपार्ड है, टाइगर, क्लाउडेड लियोपार्ड एंड स्नो लियोपार्ड। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस है, ठीक है। और नॉर्मल कॉमन लोगों के लिए क्या है, सब बाघ है, सब टाइगर है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये इंडिया का वन एंड ओनली नेशनल पार्क है नामदफा, जहां पर फोर टाइप्स ऑफ कैट मिला जाता है, कैट पाया जाता है। तो ये है, और सब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नामदफा में फ्लाइंग स्क्वायरल में पाया जाता है, फ्लाइंग स्क्वायरल। यहाँ पे मैंने फोटो भी दे रखा है, जिसे फ्लाइंग स्क्वायरल ऑफ नामदफा, ये भी फ्लाइंग स्क्वायरल है जो इन भाई साहब अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, है ना, जो एक्चुअली गलत है उस, क्योंकि आदमी थोड़ा डेंजर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, उनके पास दाव भी है देखो, तो थोड़ा डेंजर लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, दे आर रेयर एनिमल्स, है ना। तो नामदफा फ्लाइंग रिजर्व, फ्लाइंग स्क्वायरल, तो नामदफा में फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए फेमस है पूरा इंडिया में, ठीक है, समझ में आया। और फोर बिग कैट स्पीसीज में मिलता है, ये सब आपको पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, क्या क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहला है डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, एंड देन दिबांग वैली, इन दिबांग, दिबांग से याद आ रहा है, याद रखने के लिए भी आसान है कि दिबांग वैली में है। अब देखिए दिबांग वैली यहाँ पर है, दिबांग वैली इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज, द लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश ये है, इसमें दिबांग वैली है ना, ये दिबांग वैली है। तो इसमें हम देख लिया कि ये दिबांग वैली में है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द दैट इज ईगलनेस, ईगलनेस कहाँ पर है, ईगलनेस वेस्ट कामिंग में है, ईगलनेस कहाँ पर है, ईगलनेस वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में है। अब वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस है बार्ड को, बार्ड्स के लिए फेमस है ना, बहुत सारा बार्ड्स का स्पेसीज मिलता है ईगलनेस में। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये भी आपको याद रखना है कि पापुमपारा में, आप इसको तो याद क्या रखोगे, आप ईटानगर पापुमपारा डिस्ट्रिक्ट में है, सबको पता है ना, तो वहां से आपको याद हो जाएगा। कमलांग, कमलांग इन इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काने इन सियांग डिस्ट्रिक्ट, मैंने नीचे लिख रखा है इसको, यहाँ मेंशन नहीं था, गवर्नमेंट वेबसाइट ये, वहाँ पे भी मेंशन नहीं था। मेहाओ, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन योर दिबांग वैली अगेन। तो दिबांग वैली में हमको दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला, एक तो मेहाओ मिला और दूसरा मिला दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो है याद रखना है। एंड पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अगेन इन ईस्ट कमिंग, इट इज ईस्ट कमिंग, सॉरी डेट इज वेस्ट कमिंग, इट इज ईस्ट कमिंग पाकुई। एंड सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज इन वेस्ट कमिंग, ये वेस्ट कमिंग में, यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है मैंने यहाँ पे। तो सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली, सेसा इज ए ऑर्किड सेंचुरी, तो
ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नाहरलगन पापुमपारे, सॉरी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, नाहरलगन तो पोस्ट ऑफिस हो गया, इसको याद नहीं रखना है, बस डिस्ट्रिक्ट याद रखो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि सेसा इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन एंड ओनली ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। ऑर्किड क्या है? एक टाइप ऑफ फ्लावर्स, इज मतलब ऑर्किड का बहुत सारा टाइप्स है बेसिकली, लेकिन ऑर्किड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी हाई वैल्यूड फ्लावर्स बोल सकते हो आप, है ना। तो ऑर्किड ऑर्किड अरुणाचल में तो बहुत सारे जगह में पाया जाता है, और अरुणाचल इटसेल्फ कॉल्ड इज द लैंड ऑफ ऑर्किड, है ना। बट ये जो सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। या ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको अलग से भी याद रखने का जरूरी है, क्योंकि ऑर्किड सेंचुरी बोलने से आपको क्या लिखना है, सेसा ऑर्किड सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन वेस्ट कामेंग, तो जगह भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सबको आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये हमें पीडीएफ भी ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे इसको, है ना, आप पीडीएफ भी इसको मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन बात है कि इसको याद कैसे रखना है। याद रखने के लिए फ्रेंड्स आपको गूगल में जाके टाइप करना पड़ेगा ब्लैंक मैप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसा एक ब्लैंक मैप आ जाएगा, और वहाँ पे आप लोग पॉइंट कर करके आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे दिवांग वैली है, ये दिवांग वैली है, है ना, दिवांग वैली है, तो इसमें क्या क्या है हमारा, क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिया हमने, एक है मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे ये हमारा टावांग है, तो ये है हमारा वेस्ट कामेंग, है ना, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है। वेस्ट कामेंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ईगल नेस्ट पढ़ा, हम लोगों ने ईगल नेस्ट पढ़ लिया, ईगल नेस्ट, ठीक है, ईगल नेस्ट पढ़ लिया। तो ये सब आपको चांगलांग में कौन सा है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, है ना, ये चांगलांग है, तो आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करना है डिस्ट्रिक्ट को, और ऐसे प्लॉट करके आपको सारी चीज़ों को देखना है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपको ब्लैंक मैप गूगल बाबा के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, देयर आर टू टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, वन इज पाके टाइगर रिजर्व एंड नामदफा टाइगर रिजर्व, तो नामदफा नेशनल पार्क भी है, नामदफा टाइगर रिजर्व भी है, याद रखना, और पाके टाइगर रिजर्व, ठीक है। देन एलिफेंट रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व है, वन एंड ओनली, दैट इज कामलेंग एलिफेंट रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, कामलेंग अरुणाचल इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, कामलेंग कहाँ पर है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है, एलिफेंट रिजर्व इज वन, दैट इज कामेंग एलिफेंट रिजर्व इन वेस्ट कामेंग, कामलेंग नहीं, कामेंग, कामलेंग हमने कहाँ पर, कामलांग पर, हमने कामलांग पर, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये एलिफेंट रिजर्व मत बोलना, आई एम सॉरी, है ना। सो व्हिच वन इज द हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश, मैंने प्रीवियस वीडियो जो है हमारे यूट्यूब में डाला हुआ है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, व्हिच वन इज द हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश बताइए। तो दोस्तों हाईएस्ट पीक इज व्हाट, हाईएस्ट पीक इज आवर कहाँ पर है पहले तो बताओ ये, ठीक है, कौन सा है वो तो हमने पता होगा ही आपको, लेकिन कहाँ पर है ये एग्जैक्टली, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। सो आवर हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट कामेंग नॉट वेस्ट कामेंग, इट इज इन ईस्ट कामेंग एंड इट इज आवर कांगटो, कांगटो, ओके, कांगटो, कांगटो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पीक तो पता है ना आपको, माउंटेन्स का ऊपर का पार्ट को पीक बोलते हैं, हम माउंटेन्स को ऐसे भी, माउंटेन्स एंड ड्रेनेज सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग YouTube में देख रहे हो तो फॉलो आवर चैनल, है ना, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, ताकि आपको वीडियो मिल जाए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो आने से पता चलेगा आपको। तो ये है आपका कांगटो, कांगटो पीक, ठीक है। तो जो कांगटो पीक है उसका पीक जो है उसका हाइट कितना है वो भी पूछ सकते हैं आप, ये याद रखें, 7060 मीटर, दैट इज 7060 मीटर, मतलब 7060 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आज का क्लास तो यहाँ ही ख़त्म कर देते, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।